पल मुझे आप बताइए कि व्हाट डू यू प्रेफर बीइंग अ पार्ट ऑफ स्मॉल बजट फिल्म्स व्हिच आर अ लिटिल डाइसी एट द बॉक्स ऑफिस या बीइंग अ पार्ट ऑफ अ बिग फिल्म जहां पर आप एक किरदार निभा रही है लेकिन नॉट नेसेसरली इन द फोरफ्रंट. आई बिलीव इन बीइंग बोथ. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज हमारी फिल्म इंडस्ट्री इस दौर से गुजर रही है जहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो गई है. बड़े स्टार्स आए, छोटे लोग हों, कंटेंट हो, जिस फिल्म को हिट होना होता है वो होता है. क्योंकि उसकी एक कॉमन लाइन ये है कि आपकी जो प्रमोशनल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. आप देखिए जैसे पीपली लाइफ फिल्म थी, सारे नए चेहरे थे, लेकिन एक आमिर खान का नाम लगने से वो फिल्म कहां से कहां चली गई. फंस गए रे ओबामा भी, उनकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी काफी अच्छी थी और वेडनेसडे मैंने की उसकी प्री प्रमोशंस कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से अच्छे रिव्यूज आने से वो फिल्म चली. बड़ी फिल्मों में ये होता है कि मान लीजिए अगर फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी नहीं भी है तो उसकी ब्रांडिंग का जो हैंगओवर होता है उसकी वजह से आपको ओपनिंग मिल जाती है. तो हर फिल्म में टू ईच इट्स ओन. अगर विकल्प से मेरा उद्धार अगर हो जाता है तो एक दीपल शो के मतलब एक लैडर पर एक प्रगति होती है. तो इन द मार्केट, इन द ट्रेड, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मेरी एक तवज्जो होगी, एक पहुंच होगी. तो अगर मैं 2 करोड़ की फिल्म में रहूं या मैं 20 करोड़ की फिल्म में रहूं, उस ब्रांडिंग की वजह से उस फिल्म को बहुत ज्यादा मान्यता मिलेगी. तो आई फील जो बड़े स्टार्स होते हैं उनकी नाम की वजह से वो फिल्में बिग बजट हो जाती हैं. कई फिल्में ऐसी होती हैं जो स्मॉल, अब जैसे आई थिंक धोबी घाट ले लीजिए, इट्स अ वेरी आई थिंक इट्स अ वेरी टॉट गुरिला टाइप शूटिंग की गई उस फिल्म में. उसे आप एक तरीके से बहुत बिग बजट नहीं करेंगे लेकिन उसकी ब्रांडिंग इतनी बड़ी है, उसकी जो बैकअप है वो इतनी बड़ी है, इसलिए वो बिग बजट है. एक्चुअली आमिर खान सबके पास तो नहीं पहुंच जाते. एग्जैक्टली आमिर खान हैज वर्कड अ लॉट टू रीच एग्जैक्टली, व्हिच इज व्हाई आई सेड द ब्रांडिंग इज सो बिग दैट यू नो व्हेन ही टचेस एनीथिंग, आप जहां पर भी होंगे लोग वहां पर आएंगे. आप अगर छोटी जगह पर होंगे वहां पर भी लोग आएंगे. आपकी ब्रांडिंग बड़ी होनी चाहिए.